जनपद संभल के चंदौसी में भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद संभल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर प्रारंभ हुए सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में चंदौसी नगर में स्थित सिल्वर स्टोन पब्लिक स्कूल में नमो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 158 छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। परीक्षा में सम्मानित सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। ये परीक्षा जनपद संभल में 4 स्थानों पर आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में बताया गया। ये नमो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से, एक अपना संगठन है युवा मोर्चा, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें ये है कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जो बच्चे कंपटीशन आगे भविष्य में देने वाले हैं, उनको कंपटीशनों की तैयारी करने के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी ऐसी होती हैं कि भारत में क्या इस समय में चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजनाओं के विषय में, और कुछ जनरल नॉलेज के सवाल उसमें थे, जिससे कि बच्चों को स्कूल से ही कंपटीशन की आदत होनी चाहिए। जिसमें बच्चा कंपटीशन करेगा, स्कूल में कंपटीशन देकर जब आगे बढ़ता है तो वो आगे भी भविष्य में अच्छे कंपटीशनों को पास कर सकता है, और उसको ये आदत होनी चाहिए। इस सोच के साथ युवा मोर्चे की ओर से ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी संगठन ने कराया, जिसको आप लोगों ने अभी देखा। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक 3 पुरस्कार दिए गए हैं और बाकी सभी को एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है। सभी को सम्मानित किया गया है, सभी को शुभकामनाएं हैं कि वो इस देश का भविष्य बने, कोई IAS बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, और सभी कंपटीशनों को वो लोग पास करते हुए आगे चले जाएं, ऐसी मेरी उनकी शुभकामनाएं। माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा ही समर्पण पखवाड़े का आयोजन किया गया है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जनपद संभल के द्वारा इस जनपद में 4 स्थानों पर यह आयोजन किया गया है। उसके पीछे उद्देश्य मात्र इतना है कि 2014 से लेकर अब तक देश में जो व्यापक परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, भारत का पूरे विश्व में जो सम्मान बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में जो सामाजिक रूप से परिवर्तन हो रहा है और विकास के नए आयाम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है, उस बारे में इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों को उनके अंदर कितना ज्ञान है, समाज में कितना परिवर्तन हो रहा है, सरकार के द्वारा किन किन क्षेत्रों में सामाजिक कार्य हो रहा है, और वर्तमान में पूरे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है, उसके बारे में उस पेपर के माध्यम से लोगों को ज्ञान को बढ़ाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है।